अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और यहाँ हम लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी थी। यहाँ सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैंने मीठे में रसमलाई बना ली थी। तो यहाँ मैंने शान की रसमलाई का एक डिब्बा जो है वो यूज़ किया था, जिसमें यहाँ मैं उसमें से एक साशे निकाल के तो बस उसको प्लेट में डाल लूँगी और उसमें एक अंडा डाल लूँगी। बाकी मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने हाफ कप, ये जो मेरे सामने कप पड़ा हुआ है, इसको हाफ कप चीनी को मैंने दूध में डाल दिया था और उसको उबलने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने उसी अमेजे में एक अंडा डाल के उसको अच्छी तरह घून लिया था और उसकी मैंने जो है गोलियाँ बना ली थी छोटी छोटी। तो हम लोगों की तो ईद इसी तरह थी कि मैंने खाना नहीं था बनाया, खाना हमारे एक और फैमिली की तरफ था। और मैंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ मीठा बना लिया था और साथ मैंने दही भल्ले बना लिए थे, और क्योंकि ईद के दिन मीठा और चाट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ऑफ़ कोर्स इस ईद पे तो गोश्त भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एज हमने कहीं पर जाना था इसलिए मैंने खाना तो नहीं बनाया था, लेकिन मीठा और मीठे में रसमलाई और साथ में मैंने दही फुल्कियाँ बना ली थी। तो अभी मैं आपको दही फुल्कियों की और रसमलाई की जो है वो बताऊँगी। ये मैंने शान के डिब्बे से बनाया था, बड़ी जल्दी बन जाता है, बड़ी क्विक सी रेसिपी होती है। तो बस यहाँ मैं अमेज़ा मेरा तैयार हो गया और मैं अब छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी। अगर इसका अमेज़ा आपके हाथ पर स्टिक करे तो आप जो है अपने हाथ पर थोड़ी सी मलाई या फिर मक्खन या थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है उसको हाथ पर ग्रीस कर लें और बस उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लें। ये 12-13 बन जाती हैं आराम से, मतलब 12-13 लोग आराम से अगर एक एक खा रहे हैं तो भुगत जाते हैं, लेकिन अगर ना हो तो फिर ये देख लें आप। हम मेरे पास ये है ना 13 या 14 गोलियाँ बन गई थी, इसको मैंने उबलते हुए दूध में डाल दिया था और उसको मैंने दम पे रख दिया था और बस हमारी रसमलाई जो थी वो तैयार हो गई थी। यहाँ मैं अब दही फुल्कियाँ बनाने लगी थी, तो मैंने उसी प्लेट में धो के थोड़ा सा बेसन डाल दिया था, ये हाफ कप होगा बेसन, उसमें पिंच जो है वो मैंने उसका डाल लिया था बेकिंग पाउडर का, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लिया था और बस इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको एक लेवी सी बना ली थी, मतलब ना इतना हो लूज़ हो इसका अमेज़ा और ना ही बहुत टाइट हो के फुल्कियाँ बनाने में मुश्किल हो जाए। तो यहाँ मैं इसको पानी में हल्का सा मिला के मिक्स कर लिया और ये देखें इसकी एक इस तरह का एक इसकी अमेज़ा सा बन गया था। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो बस ये दही फुल्कियाँ बन जाएंगी। मैं फुल्कियाँ जो है वो घर ही बनाती हूँ, ताकि फुल्कियाँ बाहर की नहीं यूज़ करती क्योंकि उससे टेस्ट एक बड़ा डिफरेंट सा आ जाता है। इसमें बस हल्के से हल्की आँच में जो है फुल्कियों को फ्राई कर लें, किसी भी शेप में हो जाए। अगर आप पाइपिंग बैग में डाल के करना चाहते हैं तो भी वो कोई नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन अगर इस तरह भी कर लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। बस आपकी ये जो है इस तरह से फुल्कियाँ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। और बस ये देखिए गरम गरम ऑयल में जो है फुल्कियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं और हम लोगों ने इसको बस पका लेना है अच्छे से, तब तक के ये थोड़ी सी हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और बस इसी तरह से जो है वो फुल्कियाँ बन जाएंगी। दही फुल्कियाँ बहुत आसान है बनानी, आपके पास बस बेसन होना चाहिए और दही होना चाहिए और बस आपकी चाट जो तैयार हो जाती है। वैसे अमूमन तो मैं इसके अंदर नमक और मिर्च ही डालती हूँ, लेकिन अगर आपके पास चाट मसाला हो तो भी वो डालने से टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। ये देखिए ये एक स्पेसिफिक सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा और आप बस आपकी इस तरह से जो है वो फुल्कियाँ बन जाएंगी। यहाँ मेरे पास जो है वो अलमराई का योगर्ट था जो कि हाफ लीटर है, उसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको दही को डाल लिया एक बाउल में, वन एंड ये एक पूरा और हाफ मैंने डाला था और उसके बाद जो है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया था। पानी मिला के मैं इसकी एक पतला सा, बहुत पतला तो नहीं लेकिन लोगों को बहुत पतला पसंद होता है, वैसे तो मेरी मामा हमेशा कहा करती थी कि दही पतला किया करो ताकि फुल्कियाँ जो हैं वो दही को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन मुझे फिर भी दही जो है ना वो थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने इसके अंदर नमक मिर्च थोड़ा सा ज़ीरा बस मिला के सुर्ख मिर्चें मिला के मैंने इसका एक पेस्ट सी बना ली और इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले ताकि कहीं भी वो कोई ना कोई लव्स वगैरह ना रह जाए। यहाँ प्याज टमाटर और सब्ज मिर्चें और साथ मैंने आलूओं को बारीक बारीक या जिस तरह प्याज को आप बारीक चॉप करें और टमाटर को भी
क्योंकि वरना वो इस एकदम भड़ा भड़ा प्याज मुँह में आए तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैंने उसी दही के अमेजे में प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल ली हैं, और इसमें मैं अब आलू डाल लूँगी और वो जो मैंने फुलकियाँ बनाई हैं वो डाल लूँगी। बेशक आप आलू का रफ्सा चॉप कर लें, यहाँ पे थोड़े से आलूओं का मसला है कि वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, और इतने जल्दी बॉयल हो जाते हैं कि वो हलवा से बनने लग पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा रफ्सा चॉप कर लिया। और इसमें मैंने फुलकियाँ भी ला ली, और ये हमारी दही फुलकियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इसके ऊपर बस अब मैं हल्की सी गार्निशिंग कर लूँगी, वो थोड़े से मैंने प्याज और टमाटर जो हैं वो बचा के रखे हुए थे और यहाँ पे, तो ये देखें मैंने प्याज और टमाटर से ऊपर गार्निश कर ली। और उसके ऊपर अब मैं चाट मसाला, ढेर सारा चाट मसाला डाल दूँगी ताकि ऊपर एक अलग से चाट मसाला की जो है वो खुशबू आए। और हमारी तो इसी तरह गुजर गई थी। ईद से एक दिन पहले हम लोग ताइफ गए हुए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मतलब सुबह के टाइम गए थे और शाम को हम लोग वापस आए थे। वहाँ मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो अगला दिन ईद का था, तो बस बड़ी मुश्किल से मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें भी बनाई थी क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी, आने जाने में बहुत थकावट हो जाती है। तो बस यहाँ पे सऊदीया की जो ईद है वो इसी तरह से गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे कुर्बानी वगैरह तो हमने करनी नहीं थी, हम लोगों ने कुर्बानी जो है वो पाकिस्तान में ही की थी। तो यहाँ पे यही था ना, गोश्त वगैरह कभी कोई वो झंझट नहीं था। ईद के दूसरे दिन फिर मैंने खैर गोश्त ही बनाया था, गोश्त कढ़ाई बनाई थी मैंने। तो बस ये देखें यहाँ पे मेरा दही भल्ले और ये रसमलाई को मैंने ऊपर बादाम पिस्ता और काजू से गार्निश कर लिया बस। और ये सफ़ा का ईद का ड्रेस था, मैं इतना तैयार नहीं थी हुई मैं, क्योंकि बस काम इतना होता है, बस मैंने एक शर्ट नहीं थी तो बस पहन ली। और सफ़ा को मैंने तैयार कर दिया था क्योंकि ईद तो फिर बच्चों की होती है और बच्चियों की होती है ख़ास तौर पे, चूड़ियाँ मेहंदी और क्लिप्स, बड़ी मुश्किल मैंने उसे तैयार किया था। दोपहर का तो हम खाना उनकी अपनी गेस्ट के तौर पर खा आए थे, तो अब रात को फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल लग रहा था। यहाँ अब ईद का जो है वो सेकंड डे पे मैंने कहा मैं सफ़ा का आपको ईद का आउटफिट दिखा दूँ। और चूड़ियाँ इसको मैंने इतनी प्यारी पहनाई थी और इसने उतार के फेंक दी कि बस पहन लिया मैंने। तो बस इसका बहुत गर्मी थी तो मैंने इसको एक लॉन का बस फ्रॉक था वो उसको पहना दिया था, क्योंकि वो बहुत तंग पड़ रही थी काम वाले कपड़ों में। तो बस मैंने इसको इस तरह तैयार कर दिया था। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।